दोस्तों नमस्कार, मैं ठीक हुआ आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और मेरे चैनल मिस्टर बिट्टू डॉट खुशी फैन में आप सबको वेलकम टू स्वागत करता हूँ दोस्तों। और मैं खुशी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको खुशी दोस्त अच्छी लगती है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमसे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और दोस्तों भी मैं बना रही हूँ, ये शहर में इसको नेनुआ बोलते हैं, तो मैं नेनुआ को ऐसे ऐसे कट किया हूँ छिलके। और आज और देहात में मतलब गांव में इसको घेवरा बोलते हैं। तो दोस्तों मैं इसको सब्जी बनाने वाली हूँ, भी जैसे कि मसाला सब डाल के नहीं, सिर्फ फ़ौरन पे। तो देखो इसमें मैं क्या डाला हूँ, लहसुन के छोटे छोटे टुकड़ा किया और हरा मर्चा। तो इसे मैं भी मैं डाली हूँ, ये डालूँगी अदरक के पत्ता। ठीक है दोस्तों, देख तो मैं सोच रही हूँ दोस्तों मैं कैसे बनाती हूँ, आप सब शेयर करो। अगर आप सबको अच्छा लगे तो बनाइएगा। वैसे एक दिन दोस्तों मैंने बताई थी तो वो नहीं देखे आप सब, तो इसमें देख लीजिए दोस्तों मैं कैसे बताई हूँ, तभी देख सकते हो। ये चल रहा था ना तो मैं इसको चूल्हे पर से उतार दिया था, तभी मैंने रख दिया। तो देख सकते हैं, तो इसमें हरा मिर्चा और लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े, और इसमें है अदरक का पत्ता, और इसमें मैं सरसों का तेल डालूँगी। ठीक है दोस्तों, आपसे देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। लगता है ज़्यादा ही तेल डला, अभी कोई देख लेगा तो मेरे को मार भी पड़ेंगे, मेरे को पड़ेंगे। देख लीजिए कितना ज़्यादा तेल डला गया दोस्तों, आप तो वीडियो में बने रहे जी। अब डालूँगी मेथी, ये आपको दिखाती हूँ, ये मेथी है दोस्तों, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मेथी है, देख सकते हैं ये मेथी होते हैं ना, ये इसमें डाल दूँगी। और दोस्तों हम लोगों का ज़्यादा बनता है, देख लीजिए हम लोग कितना, हम लोग ढेर आदमी है ना, ज़्यादा आदमी है इसलिए ज़्यादा बनता है। अब इसको एक बार में पूरे नहीं बनेगा, इसलिए इसको पहले चला देंगे, पूरे नहीं चल पाएगा इसलिए इसको चला देंगे, उसके बाद फिर इसको डालेंगे, है ना दोस्तों। ठीक है, आपसे वीडियो में बने रहिए। अब मैं क्या करूँगी, अब इसको भी डाल दूँगी, इसको चला कर, अब इसको भी डाल दूँगी। इसको डालने के बाद दोस्तों इसको क्या करने का है, तो थोड़ा और चला देने का धीरे धीरे, जैसे बाहर गिरे ना ज़्यादा है हमारा ना। अब इसको ढक दूँगी, है ना, अब देख सकते हो, अब इसको मैं ढक दूँगी। मैं ढक दूँगी, देख सकते हैं, और आज तेज कर दूँगी ताकि ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। दोस्तों आपसे वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों आपको मैं बता दूँ, चावल दाल को ना ये बहुत टेस्टी लगता है, देख सकते हो। वैसे दोस्तों भी मैंने बनाया, इसमें चावल बनाया है और इसमें दूध है बाबा के लिए, हाँ दूध बनाया, और उसके बाद में ये अभी सब्जी बन रही है नेनुआ का। तो ठीक है दोस्तों, तभी मैं क्या करूँगी जब तक कि ये सब मैंने जो ये एक्स्ट्रा बर्तन है ना, अभी इसको क्या करूँगी जब तक इसमें पानी छोड़ता है ना, इसमें टाइम लगता है, इसके लिए बाकी का काम जो बर्तन उतन है वो जब तक मैं धोती हूँ। ठीक है, तो आप सब वीडियो में बने रहिए। और कैसे बनाऊँगी दोस्तों, ये बहुत टेस्टी लगता है, अगर आप सबको अच्छा लगे तो आप सब भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैंने क्या क्या डाला आप सबको तो बताइए, पूरा वीडियो देखिएगा आ जाएगा समझिए। और इसके बाद ये गल जाएगा ना, इसके बाद क्या डालूँगी इसमें और कैसे बनेगा, आप सब वीडियो में बने रहिए। देख सकते हो तब तक मैंने ये सब धो लिया, इसमें रख दिया, सॉरी दोस्तों ये बच गया। और ये भी दोस्तों बाकी का बर्तन धो दिया, और अब इसको अभी चलाएंगे, देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने बाकी कुछ बर्तन थे थोड़ी बहुत वो धो लिया, अब इसको मैं चलाऊंगी। अभी देखो ये गल गया है, देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छे से गल गया है, इसको इसको चलाएंगे। अब इसको मैं अच्छे से चला दूँगी, देख सकते हो इस टाइप का ये पानी छोड़ दिया। अभी दोस्तों ये गल गया, तो इसके हिसाब से अब इसमें नमक डालेंगे, तो अंदाज आएगा कि ज़्यादा नहीं है ना, उसके हिसाब से इसमें नमक डालेंगे, है ना। तो अभी मैं इसमें नमक डालूँगी दोस्तों, इसमें ज़्यादा नमक नहीं पड़ता इसलिए पूरा डालेंगे इतना, देख सकते ज़्यादा नहीं, बस इतनी सी और डाल देंगे, है ना, पता नहीं नहीं डाल जाएगा इसलिए इतना ही डालेंगे। अब इसको चला देंगे,
इसमें मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, ठीक है, ये बने रहो। ये हल्दी पाउडर नहीं, सॉरी इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसमें से हल्दी पाउडर डालूंगी मैं। आपसे वीडियो में बने रहिए। अभी मैं इसमें हल्दी डालूंगी उसके हिसाब से, आप सब देख सकते हैं। इसमें मैं हल्दी पाउडर डालूंगी, देखते हैं अभी होएगा तो होएगा, नहीं तो अच्छा से डालेंगे। थोड़ा सा भी और मैं डालूंगी इसमें, क्योंकि ये पीला नहीं लग रहा। हाँ हो गया, अब इसको रख देंगे। और दोस्तों अभी ये देखिए, अब इसको ढक देंगे। हल्दी ज़्यादा तो नहीं हो गया, नहीं चलने वाला है, इसको क्या करने का, इसको ढक देंगे, है ना। अब इसे दोस्तों समझो, मतलब ये हो चुका है, यानी कि ये रेडी हो चुका है, ये सूख जाएगा ना, मतलब इसका पानी, तो ये समझो रेडी हो जाएगा। तो अभी ये नहीं हुआ है, अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। फ़ौरन में क्या क्या डाला है आप देखिए, बस इसमें नमक और हल्दी, ठीक है। तब से वीडियो में बने रही, अब देखो इसको मैं कैसे कैसे क्या करके अब कैसे उतारूँगी। ओके, तब से वीडियो में बने रही। अभी मैं थोड़ी और आँच लगाऊँगी। ये दोस्तों ये गोरहा है, आप सबको इधर क्या बोलता है दोस्तों, हम इसका नाम भी नहीं शहर में जानते थे, क्योंकि शहर में ये होता ही नहीं है। और इधर पे इसको गोरा बोलते हैं, जो गैया का गोबर होता है उससे ये बनता है, ठीक है। अब देख सकते हैं, इसको मैं लगाऊंगी ऐसा। बाबू रो रहा है, चलो मैं बाबू को दिखाते हैं। दोस्तों ये देख लीजिए दोस्तों, मेरा बेटी किधर रो रही है। अरे जी अरे जी, दोस्तों मैंने इस पर बैठाया था और ये खिलौने दिए थे खेलने के लिए। और खिलौना कहाँ है तुम्हारा, और देख रहे हैं इधर फेंक के किधर किया है। ये लो ले लो, मैं खाना बना रही, इसको इस पर रखा था खेलने के लिए, इस पर बोरा बिछा के, इस पर उस पर इधर चला है। देखो आ जा मम्मा का गोदी में आ जा, देखो इसका इस पर बैठा रहता है, खिलौना उधर है और मैं इधर खाना बना रही थी, है ना दोस्तों। आप सब देख सकते हैं, हमें बाबू को अपने पास में गोदी में ले आए बेटी रानी को। दोस्तों इसमें हल्दी और नमक डाले, इसमें अब कोई मसाला नहीं डलेगा, इसमें सारा मसाला है तो इसमें कोई नहीं डलेगा। तो इसमें जो सिर्फ हल्दी और नमक डाले आप सबके सामने, और शुरू में देखना क्या क्या उसमें डाले हैं, शुरू से लास्ट तक देखिएगा वीडियो तो पूरे पता चल जाएगा। और देखते थे दोस्तों, मैंने बाबू को इसे खिलाना देखे और एक बोरे पर उसे इसको बैठाया था तो ये रो रहा था, तो मैंने इसलिए आपको बोला कि चलो मैं बाबू को दिखाती हूँ। और बेटी माया कर दो सभी सभी चाचू को जितने भी मम्मा को दोस्त है आपको, तो सबको माया कर दो। मेरे बेटे देखो सब्जी की तरफ देख रहे हैं, अरे मम्मी कब सब्जी बनेगा, जब मेरी मम्मी मेरे को दूध देगी डिब्बे में सरिया के। अभी इसका दूध ठंडा हो रहा है दोस्तों मेरा भी दूध पीता है, लेकिन इसको मेरे दूध से इसको पेट नहीं भरता है। तो दोस्तों देख लीजिए, बाबू माया कर दो, अच्छा मम्मा कर दो, मम्मा मम्मा बोलो, मम्मा ये बोलता है पापा, मम्मा बोलते ही नहीं, जबकि देखो पापा एक बार बोल दिए और ये बोलने लगे। बोलो मम्मा मम्मा, बोलो मम्मा मम्मा, बोलो मम्मा बोलते ही नहीं है, पापा अपने आप ही बोलते हैं, पापा पापा करता रहता है। पापा मामा बोलो, बोलो मम्मा, बोलो मम्मा, मामा बोलो, बोलो बेटी। तब नहीं थामेंगे आपको, जाओ नहीं थामेंगे, तब आओ बोलो पापा जी आइए मेरे को थामो। ये बच्चे लोग भी ना बहुत ही अजीब होते, सारा चीज इसको माँ करती है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, कौन बोला आपको अजीब होते, आप लोग तो भगवान होते, आप लोग अच्छे होते हैं। हाँ आप लोग देखो ये क्या समझता है, कोई बोलने आता नहीं अभी, नहीं नहीं आपको आता है ना, आता है ना, कौन बोला नहीं आता आपको, आता है, देख लीजिए। अभी देख रहे हो दोस्तों, अभी मैं सब्जी चलाना अभी कैसे चलाऊँ, चला दूँगी इसको। और मेरी बेटी को गोदी में है, ये देख सकते हैं, तलाशी नहीं करो पड़ जाएगा उड़ के। एक बार अभी नहीं हुआ है दोस्तों, एक बार और ढक दूँगी, तो वीडियो में आप सब बने रहिए। दोस्तों बस जो हमारे पास है वो है दोस्तों, मेरे पास कोई बनावट वीडियो नहीं रहता है,
तो दोस्तों बस हमें खुशी होती है कि आप सब मैं जो हूँ जैसी हूँ वैसे ही मुझे पसंद करते, बस इसी बात की मुझे खुशी है दोस्तों कि आप सब मुझे मेरे दोस्त मेरे चाहने वाले मैं जैसी हूँ जो हूँ सब मेरे वैसे ही मुझे लोग पसंद करते हैं मेरे चाहने वाले मेरे दोस्त। तो थैंक यू सो मच आपको तहे दिल से थैंक यू दोस्तों कि आप सब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और उम्मीद है दोस्तों आगे भी करिएगा। और मेरी बेटी और रानी को देखो क्या कहा किधर किधर इसका दे एक जगह पर नहीं है ना किधर ले चले किधर ये बन जाएगा तभी ना ले जाएंगे ना तो सब आएंगे खाने तब मम्मी को मार पड़ेंगे गाली देंगे ना तो अच्छा लगेगा। दोस्तों आप सब वीडियो भी बने रही किधर जाओगे किधर गोदी में आओगे गोदी में आओगे गोदी में खाना कौन बनाएगा बोलो बोलो अब उसको भी माया कर दो अपने चाची सबको चाची को माया करो 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 कर दिया क्या ना दोस्तों आपको भी इस पर बैठो बैठो इधर देखो आए ओए बेटी देखो अब देखो ये एक जगह पर ऐसा माँ होकर चलते हैं ना ऐसा चलता है देखो किधर किधर जाएगा इसका दे ऐसा अब चलता है माँ होकर दोस्तों ना ही तो ये घुसकने लगा ना ही तो अभी तो उलटता था कुछ नहीं हम लोग बोलते तो पता नहीं कब घुसकेगा कब उठेगा ये डायरेक्ट गुरक रहा है लगता है इसके बाद चलेगा देख सकते हैं। अभी दोस्तों मैं सब्जी देख लूँ इधर मत आना बेटा गिर जाएगा वहाँ पर ऊँच खा ले देख सकते हैं वो ऊँचा पे नीचे आएगा तो गिर मत आना बेटा उधर दोस्तों अभी सब्जी होने ही वाला है ये थोड़ा सा हुआ है बस ये पानी सूख जाएगा ना दोस्तों तो समझो ये हो गया अभी थोड़ा सा पानी बचा है ना आप देख सकते हैं हो जाएगा तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगी देखना कितना ये टेस्टी दिखने में लगेगा कैसा रहेगा दोस्तों ये मतलब बिहार में इसी टाइप का बनता है लेकिन जो भी बनता है दोस्तों बहुत टेस्टी लगता है तो आप सब भी ट्राई कीजिएगा हाँ आपकी मर्जी दोस्तों आपके दोस्त बोल रहे हैं आपको मर्जी होगा जब तो कीजिएगा है ना दोस्तों लेकिन हमें उम्मीद है दोस्तों आप सब जरूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों सूखने के बाद ये सूख जाता है ना थोड़ा थोड़ा गीला रहता है ना उसके बाद चावल से भी खाने में अच्छा लगता है ऊपर से कोई अचार या चटनी हो तो मज़ा आता है। और उसके बाद दाल भात भी खा सकते हैं जैसे कि दाल चावल पे तो फिर गाँव में इसको भात बोलते चावल को लेकिन हम लोग इधर तो चावल बोलते हैं दाल बोलते हैं यहाँ पर दाल वही बोलते हैं लेकिन चावल को यहाँ पर गाँव में भात बोलते तो मैं वो भी आपको बता दी। ये देखो अबे ए उस्ताद को देखो ये क्या है ये क्या उधर आओ आओ इधर देख लीजिए दोस्तों इसको मैं जो बोलूँगा करता कि नहीं अच्छा सीताराम करो सीताराम ऐसे करो सीताराम आप बोलो मम्मी बोलो अच्छा देखो मम्मी नहीं बोला ना आप पापा बोलो पापा अब मम्मी बोलो अब उठ जाओ अब देखो ये चलेगा इसको करके आ जाओ अच्छा दोस्तों ये पकड़ के चलता है इसे नहीं चलता है दोस्तों आपसे बोलते हैं कि आप ना आके खाना नहीं बनाते तो दोस्तों यहाँ पर मिट्टी का घर है ना और हम लोग खाना बना के उसके बाद नहाते रहते हैं हमारे देह में देखो कितना मिट्टी लगा होगा आप देख सकते हैं इधर बैठते हैं उसके बाद में किधर भी तो हम लोग क्या करते हैं खाना बना लेते हैं यहाँ पर चूल्हे का खाना बनता है गर्मी भी लगती है मिट्टी उट्टी फिर लग जाती है तो इसीलिए हम लोग खाना बना के उसके बाद नहा के पूजा करके सबको खिला के उसके बाद खाते हैं ठीक है दोस्तों ऐसा है गैस रहता है तो मिट्टी उट्टी कुछ नहीं लगता है तो ऐसा है ना दोस्तों हम लोगों का मायके में रहते थे ना हम चार नहीं 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 बेटी आपको कौन नीचे रखा हम तो गोदी में रखे हम लोग मायके में रहते थे ना सुबह छः बजे नहा लिए होते पूजा कर लिए होते थे नहीं रोते ना अच्छे बच्चे नहीं रोते अच्छा आओ 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 तो इसको चूल्हे ज़्यादा इसलिए नहीं रखते कि इसको ये धुएं में लगते हैं ना देखते इरिटेट हो जाएगा इरिटेट होता है इसीलिए अभी देख सकते हैं इसको एक बार और चलाऊंगी देख सकते हैं अभी थोड़ा सा इसको ऐसे से मिलाने से ना इसका पानी सूख जाता है ना दोस्तों तो समझो ये हो गया है ठीक है अभी तो ऐसे से कर रहे नहीं 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 कॉल आ रहा है ये देखो देखो इधर
तो दोस्तों ये समझो ये सब्जी हो गया है, अभी ये मेरा पानी भी पूरा तरह सूख गया, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको उतार देंगे तो समझो सब्जी का काम रेडी हो गया। ठीक है दोस्तों अभी ये हो गया है, अब इसको हम क्या थोड़ी देर और रहते हैं, सूख गया है मतलब समझो हो गया है। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों ये सब्जी हो गया, अभी एक कुछ होने के बाद इस टाइप का है, आप देख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, मेरा ये सब्जी होने के बाद अब इसको उतार देंगे, देख लीजिए। तो देख लीजिए आप कहेंगे झूठ कहेंगे, ये सब्जी अब हो गया, अब उधर चावल बनाए, इधर उसमें सब्जी, उसमें बाबू के लिए दूध है। अब जा रहे दोस्तों, बाबू रो रहा है, यहाँ पर खेलने के लिए इसको दे थे तो रो रहा है, तो बताइए दोस्तों इसको रोना चाहिए, इसको खेलना नहीं चाहिए, कौन अपने माँ को काम नहीं करने देता है, ये बदमाशी करता रहता है। ये देखो अभी दिखा के कैसे कैसे कर रहा है। चलो दोस्तों इसको रूम में ले जा रहे हैं, अब इसको दूध देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आप सभी को मेरे, अभी दोस्तों ये मेरा घर है, अब वो मेरा किचन रूम था, बैठो इधर पे। और दोस्तों आपको मैं बता दूँ, मेरा ये इसी रूम में एक प्लस्तर है, बाकी तीन रूम है, एक मेरी जेठानी का, एक बाबा का और एक किचन, उस समय प्लस्तर नहीं है दोस्तों, देखो बैठो। और यही रूम है जो एक अच्छा है, बस इसमें मेरी पहले जेठानी रहती थी, मेरे शादी मेरे लम्बा होने से पहले ये रूम खाली हो चुका था। चुपा 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 चुप जा आओ। तो दोस्तों मेरे बाबू बहुत पर रो रहा है, तो दोस्तों मैं जा रही दूध देने। और दोस्तों आ जा, उम्मीद है दोस्तों आप सबको मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों चुपा जा चुपा जा। तो दोस्तों उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा, तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमसे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों मैं मानती पहले कुछ भी थी, कितने भी बड़े थे, लेकिन आज जो हूँ मुझे देखना पड़ेगा ना। और दोस्तों ज़िंदगी के नाम मजबूरी के नाम ही है ज़िंदगी, अगर जो हर चीज़ का सामना कर लिया ना वही इंसान एक दिन आगे बढ़ते, चाहे आप हो या हम हो, ज़िंदगी हम लोग ज़िंदगी में जी रहे हैं ना, हम लोग को हर चीज़ को वो करना पड़ता है, हर इंसान के पास कोई मजबूरी होती है। जैसे पास हमारे हस्बैंड बोले तो मेरी भी, मेरे हस्बैंड मेरे लिए शादी करने के लिए मेरे हस्बैंड मजबूर, चाहे जो भी है बस। तो दोस्तों आप सब सपोर्ट कीजिए, दोस्तों हम गरीब है ठीक है, या अभी गरीब है, पहले चाहे कुछ भी तभी गरीब है, अगर दोस्तों आप गरीब को सपोर्ट करते हैं ना तो वो अपने पेट के लिए कुछ के भी लिए कुछ बनना चाहते करना चाहते ताकि उसका पेट बच्चे का पेट अच्छे से चल सके। और अमीर लोग होते हैं ना वो अपनी शौक के लिए बनाते हैं, तो कोई नहीं सबको देखिए, लेकिन उन लोगों को सपोर्ट कीजिए जो लोगों को बहुत ज़रूरत है, जैसे हम लोग जैसे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, और मैं जा रही बाबू को दूध देना। दोस्तों मेरे देखते दोस्तों मैं काम भी करती हूँ, बाबू को भी संभाल के और सब करना पड़ता है, तो प्लीज़ दोस्तों आप सब सपोर्ट कीजिए, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, मैं जा रही बाबू को दूध देना। ओके दोस्तों लगी, धन्यवाद।